The goods and services tax on premiums paid by senior citizens for health insurance and premiums paid by all for term life insurance may be exempted, as most members of ministerial panel set up specifically to study this agreed in favour of extending such relief on Saturday. A group of ministers meeting was held to rationalise GST rate. Here is what the ministers said. We want to get people to get comfortable, to relax people. सब पे हम लोग रिपोर्ट बनाकर जीएसटी काउंसिल को देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की जो पहली मीटिंग थी उसमें क्या सहमति बनी, उस पे एग्जेम्पशन की बात चल रही है? एकदम सभी लोग चाहते हैं एग्जेम्पशन की बात हो, सीनियर सिटीजन पर विशेष ध्यान दिया जाए, इन सब चीजों को कर रहे हैं। क्या सीनियर सिटीजन के अलावा बाकी लोगों को एग्जेम्पशन नहीं देंगे? एकदम सभी लोगों को मिलेंगे, उसके रेट आगे पीछे 18% है, उससे नीचे लाने का काम किया जाएगा। तो डिटेल तो नहीं होगी, जीरो तो नहीं होगा? नहीं नहीं, एग्जेम्पशंस कुछ सेक्टर्स में होंगे, ये जीएसटी काउंसिल तय करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर और रेट रेशनलाइजेशन पर कई विषयों पर सहमति बन गई है। कई विषयों विचारार्थ प्रस्तुत किए गए हैं, कई विषय डिफर किए गए हैं। किस किस पे सहमति बन गई सर? लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ पे क्या एग्जेम्पशन आएगी कम्प्लीट? देखिए, ये तो कन्वीनर को बताना चाहिए, वही इसके आपने लिए आपने क्या सुझाव दिया है जी? अपनी स्टेट की तरफ ऐसा से? है, हमने स्टेट के लिए जो जन भावनाओं के अनुरूप थे वही सुझाव दिए। अच्छा जी, थैंक यू सर। मीटिंग की जीएसटी को लेकर क्या कुछ आप बैठे? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी का रेट क्या हो, इस विषय पर आज विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही साथ रेट नेशनलाइजेशन के ऊपर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। अभी तो वैसे तो हमारे कन्वेनर ही इसके लिए अधिकृत हैं कि वो आप लोग कुछ बताएं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता के को सहूलियत देने वाला और खास तौर से हमारे जो रेवेन्यू है उसके ऊपर भी हमको दोनों पहलू देखकर चलना होता है, इसलिए जो जन भावनाओं के अनुरूप था वही मैंने सजेशन दिया। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट पर डिस्कस भी हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी प्रक्रिया में हैं, तो उनके ऊपर कई चीज़ों पे सहमति बनी है, कई चीज़ों पे प्लस, कईयों पे माइनस, तो चल रहा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक अपन बात कर रहा वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी के जीवन को कैसे सुलभ बनाया जाए, कैसे उसके लिए सरकार अच्छे से सोचे और उसको कैसे सस्ती चीजें उपलब्ध हो, इन दिशाओं के ऊपर कार्य सोचा गया। हाँ, चल रहा है वो सब विषय, अभी चल रहा है वो, अभी तक उस पर आज बोलना बहुत जल्दी होगा, लेकिन बहुत सारे इशू हैं और डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें कई चीजें कुछ महंगी भी हो जाती है, कई सस्ती हो जाती है, तो उसपे हर चीज मिक्स है। मैंने बताया ना, गरीब के जीवन को कैसे सुलभ बनाया जाए, उस दिशा में तो सदैव ही भारतीय जनता पार्टी सदैव सोचती आई है, तो आगे भी वैसे ही उस दिशा के अंदर कार्य किया जाएगा। देर आर टू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग वेर देर इन द फॉरनून, देर वॉज ए डिस्कशन अबाउट द इंश्योरेंस, मेनली हेल्थ इंश्योरेंस, जीएसटी ऑन टैक्स ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, दैट वॉज डिस्कस्ड एंड इट वॉज डिस्कस्ड अर्लियर in the parliamentary committee earlier, GST council, so we discussed it and some positive discussion was there. I cannot say divulge the proposal and decision because it should be considered by the GST council, full GST council. So there is a very positive discussion in favor of reducing the burden of the common people on health insurance. That is there, that only I can say that will be a positive thing. Then about rate revision, many items are there because since the inception of GST, 7 years is already over. So many rates is to be re-looked and revisited because some items, the rate should be reduced because some rates are high. Some rates are very high, huge, high luxury items are there, whether they are to be increased, some items. These are the items which discussed. So that discussion is only part of the discussion is there because again this meeting, these meetings will be there.
For the insurance sector, GST on term life insurance premiums are likely to be exempted for all persons, including plans that consist of family members. In its 54th meeting held on September 9, the GST Council had broadly converged on the need to reduce the tax rate for health and life insurance premiums from 18%, but the specific proposal was referred to the GOM on life and health insurance premium for further discussion. The existing 6-member GOM on rate rationalization was expanded to form a 13-member GOM on life and health insurance premium with the mandate to submit their report by October end. The GST Council will meet in November to take a final decision on the rate recommendations by both the GOMs.